पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये पढ़ रहे हैं हम। तो ये स्टोरी है खुशवंत सिंह की लिखी हुई। इसमें ये बता रहा है कि किस तरह से ये अपनी दादी माँ के साथ रहता था बचपन में, और इसकी दादी कैसी लगती थी, किस तरह की थी, इसके इसकी करेक्टराइजेशन है। इसका एक पोर्ट्रेट खींचा गया है इसके, मतलब लिटरल एक एक वर्ड्स के ज़रिए से एक पोर्ट्रेट खींचा गया, एक तस्वीर खींची गई इसकी दादी की, कि वो किस तरह की थी, उसकी करेक्टराइजेशन की गई है और कि बताया गया है, इसने बताया है अपने आप कि किस तरह से ये काफ़ी क्लोज था अपनी दादी के साथ और इसलिए बहुत प्यार भी करता था इससे, अपनी दादी से बचपन से ही, बहुत पहले से उसके साथ था ये। तो अभी हमने इससे ना जो बुनियादी चंद चीज़ें पढ़ी वो ये कि इसकी दादी बहुत ही ओल्ड थी और वो रिंकल्ड थी, उसके थोड़ी सी मोटी भी थी और थोड़ा सा स्टूप था इसका। ये हॉबल करती रहती थी, टहलती रहती थी घर में और अपने हाथ में रोजरी उठाए हुए उसके बीड्स को टेल करती थी, उसके तो अपने हाथ में वो माला उसको काउंट करती रहती थी और कुछ पढ़ती रहती थी, प्रयास पढ़ती रहती थी। ये इसका लगातार काम था। और तो ये यहाँ तक पढ़ा हमने। अब हम अगले पढ़ते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ये तो कहता है ये, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया उसके साथ। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो रहने के लिए गए सिटी में, यानी कि इसके माँ बाप सिटी में रहने के लिए गए तो इनको पीछे छोड़ दिया अपनी दादी के पास उसके साथ रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम इकट्ठे लगातार थे, यानी दादी के पास थे तो लगातार इकट्ठे थे दादी और ये। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे उठाया करती थी सुबह एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो कहती थी अपनी प्रेयर्स को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग अंदाज में। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। वाइल शी बाथ, जबकि उसने मुझे, जबकि वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे पहनती थी कपड़े, इन द होप, इस उम्मीद में कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इस उम्मीद में कि वो मैं सुनूंगा और इसको जान जाऊंगा बाय हार्ट, इसको जान जाऊंगा ज़बानी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग अंदाज में, मोनोटोनस यानी कि बोर करने वाले, मोनोटोनस होता है बोरिंग, और सिंग सॉन्ग मतलब गाने के अंदाज में, सिंग सॉन्ग इन अ फॉर्म ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि एक गाने के अंदाज में वो अपनी प्रेयर्स गाती थी, मतलब आवाज़ के साथ गाना गाती, गाने की शक्ल में अपनी प्रेयर्स कहती थी, अपनी इबादत करती थी सुबह उस दौरान में, जब वो इसको बैथ कराती थी, इसको इसको नहलाती थी और ड्रेस में, और इसको लिबास पहनाती थी इन द होप, इस उम्मीद के साथ कि ये लड़का सुनेगा। दैट आई वुड लिसन से मतलब है कि ये लड़का सुनेगा एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और वो जान जाएगा इसको ज़बानी। ज़बानी याद करने के लिए एक तरीका इसकी दादी ने अपनाया था कि ये जो भी कुछ मैं पढ़ती हूँ मज़हबी, तो ये लड़का सुनेगा और वो जान जाएगा। लेकिन इसी के लिए इसने उस वर्ड्स यूज़ किए हैं, मोनोटोन सिंग सॉन्ग। तो कहने का मतलब है दादी तैयार, इसको तैयार करते करते अपनी इबादत भी करती थी और साथ में इसको तैयार भी करती थी और मज़हबी दर्स भी देने की कोशिश करती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस,
बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कहता है आई लिसन, मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को लव करता था, मैं उसकी आवाज़ चाहता था, प्यार था मुझे उसकी आवाज़ से, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। लेकिन कभी भी मैंने तकलीफ़ नहीं की, जहमत नहीं उठाई मैंने कि इसको लर्न करूँ, इसको सीखूँ, इसकी इस प्रेयर को सीखूँ। मैंने कभी जहमत नहीं उठाई, बॉदर नहीं किया, मैंने अपने आप को परेशान नहीं किया कि मैं अपने आप को मतलब इस मुसीबत में नहीं डाला मैं अपने आप को, मैं कि मैं ये प्रेयर सीख जाऊं। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड। उसके बाद वो मेरे लिए लाती, फैच करती मेरे लिए वुडन स्लेट। वुडन स्लेट, वुडन स्लेट मतलब यहाँ तख्ती, तख्ती। ये पहले 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 हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो उन दिनों भी चलती थी, तख्ती होती थी, एक लकड़ी का बना हुआ एक लकड़ी का बना हुआ एक शीट होता था, ऊपर से इसको पकड़ने के लिए होता था, उस पे लिखा जाता था एक चॉक के जरिए, एक मतलब उसको घोल के या सफ़ेद मिट्टी से इंक बनाई जाती थी, उस इंक से लिखा जाता था उस तख्ती पर। तो वुडन स्लेट से मतलब वही लिया इसने कि तब वो मेरे लिए लाती मेरी वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो कि उसने पहले ही धोई होती, पहले ही उसने धोई होती, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, और उसको प्लास्टर किया होता, लिपाई की होती येलो चाक की, येलो चाक की उस पर लिपा होता उसने, ताकि उस पर लिखा जाए। फिर अ टाइनी अर्दन इंक पार्ट एंड अ रेड पेन, और फिर एक टाइनी अर्दन पार्ट, एक छोटा सा, टाइनी से मतलब है वेरी स्मॉल, तो अर्दन इंक पार्ट एक मिट्टी का बना हुआ, एक मिट्टी की बनी हुई बोतल, इंक पार्ट होती है छोटी सी बोतल जिसमें इंक होती है, इंक डाली जाती है, और उसके समय वो पुराने दौर में एक कलम होती थी, एक लकड़ी का पेन होता था, उसमें उस इंक को डाल के उस पे लिखा जाता था। मतलब यहाँ तो तख्ती के माने उसमें इंक क्या होती थी, इंक का घोल होता था, वो चाक का घोल या सफ़ेद मिट्टी का घोल, उस में पेन डाल के वो उसमें वो डाल के उससे लिखा जाता था उस वुडन स्लेट पर। तो ये इन टाइनी इंक पार्ट और एक वुडन स्लेट और रेड पेन, इन तमाम ये तमाम वो इसके लिए फैच करती, टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन तमाम को एक बंडल में टाई करती, एक इन तमाम को एक बंडल में, एक बंडल में एक इनको बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और इसको मुझे मेरे हवाले कर देती, यानी इसको दे देती कि ये ले अब तेरे स्कूल के लिए तैयार। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो कहता है आफ्टर अ लिटल आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, एक ऐसे ब्रेकफास्ट के बाद जो कि एक थिक स्टील चपाती विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट होता, यानी कि जो एक मोटी बासी रोटी, स्टेल होती है बासी, जो मतलब पड़ी हुई हो, और हो सकता है कि मोल्ड की भी थोड़ी सी वो बू आ रही हो, जो बासी हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है, तो उसको स्टेल कहते हैं। तो स्टेल चपाती, एक स्टेल रोटी, बासी रोटी, और एक यानी कि वो मोटी सी एक बासी रोटी जिस पर बटर और शुगर यानी कि मक्खन और खांड उस पे स्प्रेड की होती थी, उस पे फैलाई गई होती थी, इस ब्रेकफास्ट के बाद, इस तरह के नाश्ते के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते, ये अपनी दादी भी इसके साथ होती थी। शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फादर विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ कई और स्टेल चपातीज भी ले जाती, ले लेती, इसके लिए तो ब्रेकफास्ट कराती, लेकिन फिर उसको कई और स्टेल चपातीज अपने साथ लेती, किसके लिए, विद हर, अपने साथ किसके लिए, फॉर द विलेज डॉग्स, विलेज के कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए, यानी गांव के कुत्तों को भी उसी दौर में, उसी दौरानिए में खिलाती थी जब वो स्कूल जाती थी, एक्चुअली स्कूल के आने के पर उनको ये रोटियां दे देती।
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। और ये स्कूल किस लिए आती थी इसके साथ, क्योंकि स्कूल अटैच टू द टेम्पल था, टेम्पल के साथ स्कूल अटैच किया हुआ था, यानी टेम्पल भी था स्कूल भी था, दोनों साथ ही थे। तो इसको टेम्पल जाना होता था इसकी ग्रैंड मदर को सुबह सुबह, और साथ में लड़के को स्कूल जाना होता, तो इसलिए वो दोनों एक साथ जाते थे, तो इसीलिए ये इकट्ठे जाते थे। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और प्रीस्ट इसको टीच करता, प्रीस्ट इनको यानी बच्चों को टीच करता, टीच टॉट टॉट टीच, और टीच के बाद दूसरी फार्म टॉट, तीसरी फार्म फिर टॉट, ये टॉट है, दूसरी फार्म इसकी फिर टॉट, ये पहली फार्म टीच, दूसरी फार्म टॉट, तीसरी फार्म फिर टॉट। तो प्रीस्ट इनको पढ़ाता क्या, अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर। पादरी यानी कि जो पुजारी था मंदिर में, वो उनको पढ़ाता था अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रेयर इबादत, यानी क्या पढ़ना होता था वो उनको तैयार करता था सुबह सुबह। अल्फाबेट्स भी पढ़ाए थे कितने, मतलब अपनी पढ़ाई भी और प्रेयर भी, वो पढ़ाता था पादरी सुबह, ये पादरी नहीं पुजारी सुबह। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, जबकि बच्चे बैठे होते थे रोज में आइदर साइड ऑफ द वरांडा में, मतलब दोनों साइड से वरांडा पे, वरांडा के दोनों साइड्स, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोर्स। और वो गा रहे होते थे अल्फाबेट्स या प्रेयर्स एक कोर्स में, एक मतलब वरांडा में बैठ के बच्चे एक कतार में, सेट इन रोज, इन रोज वो बैठे होते थे एक कतार में ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडा के दोनों साइड से, और क्या कर रहे होते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट्स, वो गा रहे होते थे अल्फाबेट्स और द प्रेयर, या प्रेयर किस में, इन अ कोर्स, एक कोर्स में, कोर्स होता है एक ग्रुप में जब एक पढ़ा जाता है, प्रेयर पढ़ी जाती है, गाना पढ़ा जाता है, कुछ भी, तो जब एक ग्रुप की शक्ल में एक गाने को अदा किया जाता है, एक प्रेयर को अदा किया जाता है, उसको बोलते हैं कोर्स। ये मैं दिखाता हूँ आपको, तो आपके स्क्रीन पे कई कोर्स के जो ग्रुप्स हैं वो मैंने दिखाया है स्क्रीन पे, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि कोर्स में कैसे पढ़ जाते। देखिए ये कोर्स में पढ़ रहे हैं, या ये कोर्स में बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो ये कोर्स का हिसाब है, यहाँ फिर कोर्स है। तो कोर्स में इकट्ठे पढ़ने को कहा जाता है, मतलब एक ग्रुप में पढ़ने को कहा जाता है कोर्स। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और अब इसकी ग्रैंड मदर अंदर बैठती थी, यानी वो मंदिर के अंदर बैठती थी और वो पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स को, स्क्रिप्चर से मतलब है होली बुक्स, तो वो होली बुक्स को पढ़ती थी ये उस दौरान में। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आदर साइड ऑफ द वरांडा, जब बच्चे बैठे हुए थे बैठते थे आइदर साइड ऑफ द वरांडा पे रोज में कतार में, और वो अल्फाबेट सिंग करते थे या प्रेयर सिंग करते थे कोर्स में, तो उसी दौरान में मैं क्या करती थी इसकी दादी, वो स्क्रिप्चर्स रीड करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हमने दोनों ने ख़त्म किया होता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम इकट्ठे वापस आते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस दफ़ा विलेज डॉग्स हमें मिलते थे टेम्पल डोर पर, यानी कि गांव के कुत्ते वो कहाँ मिलते थे, टेम्पल के दरवाजे पर, उनको उम्मीद होती थी कि अब रोटियाँ मिलेंगी। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रावलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे को फॉलो करते थे, वो हमारे साथ हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, ग्रावलिंग एंड फाइटिंग, ग्रावल करते हुए और फाइट करते, गर्राते हुए और लड़ते हुए, जब कुत्ते गर्राते हैं ना, लड़ते लड़ते हुए जो आवाज़ निकालते हैं, तो वो ग्रावल होता है, वो ग्रावलिंग एंड फाइटिंग, वो ग्रावल करते हुए और फाइट करते हुए, यानी कि लड़ते हुए और गर्राते हुए हमें हमारा पीछा करते थे घर तक। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते थे फॉर चपातीज, चपातीज के लिए जो रोटियां उनको फेंकी जाती थी, वो थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंकते थे, जो हम उनको फेंकते थे उनके लिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, और जब क्या था, मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए सिटी में, जब पुरसकून तरीके से कंफर्ट के साथ, कंफर्टेबली सेटल हो गए, यानी कंफर्ट के साथ, बड़े तसल्ली, बड़े सुकून के साथ, आराम के साथ
सेटल हो गए, बस गए इसके पेरेंट्स। जब इसके पेरेंट्स आराम से बस गए, उनको सिटी में बैठने की जगह मिल गई इसके पेरेंट्स को, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए भेजा, उन्होंने हमारे लिए भेजा मतलब दे सेंट फॉर अस का मतलब ये, उन्होंने हमें आने के लिए कहा, पैगाम भेजा, या हमें लाने के लिए किसी को भेजा, इस तरह से मतलब दोनों सेंसेस में आ सकता है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और क्या था, ये टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप में, हमारे हमारी दोस्ती जो थी इसकी और इसकी दादी की दोस्ती, क्योंकि इकट्ठे ही रहते थे तो एक दोस्ती भी थी। तो ये कहता है ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप का, ये एक अहम मोड़ था हमारी दोस्ती का। टर्निंग पॉइंट होता है वो वाला पॉइंट जिससे सिचुएशन एक नया रुख लेती है। अभी एक तरीके से चल रही होगी जिंदगी, तो अचानक कोई चेंज हो गई इस तरह की, तो के बिल्कुल जिंदगी बदल गई, तो उसको कहेंगे हम टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये मतलब उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट था जब ये सिटी में चले गए। और ये पढ़ेंगे हम आगे। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, गो के हम सेम रूम शेयर करते थे, अब मतलब शहर में भी एक ही कमरे में बैठते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल, मेरी ग्रैंड मदर अब मजीद स्कूल नहीं आती थी, ये टर्निंग पॉइंट था। गो के एक ही रूम में यहाँ भी होते थे इसकी दादी और ये, लेकिन वो अब इसके साथ स्कूल नहीं आती थी, क्योंकि अब हमने पढ़ा ऊपर के ये स्कूल भी आती थी, उसके टेंपल के साथ स्कूल था, लेकिन अब ये स्कूल नहीं आती थी। और ये क्यों नहीं आती थी, ये पढ़ रहे हैं हम। विद मी मतलब शी नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरे साथ। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यार ये वजह थी। अब ये कुछ ही इंग्लिश स्कूल में डाल दिया गया था सिटी में, एक मतलब ऐसे स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और उसमें इसको डाल दिया गया था, एक मतलब हायर किस्म के माना जाता है स्कूल में, कि उसको डाल दिया गया था इंग्लिश पढ़ाई के लिए, मतलब एडवांस किस्म की जो माना जाता है कि जो सुपीरियर है पढ़ाई है उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया था इसको। और इसलिए ये फिर कहता है कि अब मैं स्कूल जाया करता था कैसे, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस के अंदर। और यहाँ फिर आया वर्ड यूज टू, इसका इस्तेमाल, यूज टू का हमने पहले भी पढ़ा, अब यहाँ फिर यूज टू का यूज आ गया। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमने पहले भी पढ़ा, ये शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, यूज टू यहाँ भी यूज है नीचे, शी यूज टू टेल अस, ये शी यूज टू टेल अस, वो हमें बताया करती थी, शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो बतौर चाइल्ड के खेला करती थी। तो ये हमारे पास आ गया कि यूज टू का पहले ही हमने पढ़ा है, तो यहाँ फिर यूज टू का यूज आया। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं मोटर बस में जाया करता था अब इंग्लिश स्कूल में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स नहीं थे, कुत्ते नहीं थे जिनके लिए रोटियां फेंकी जाए। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब उसने क्या किया, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड, अब उसने कोर्ट यार्ड में स्पैरोज को फीड करने को ले लिया। शी टुक टू टेक टू समथिंग होता है एक काम शुरू करना, एक मतलब प्रोसेस को शुरू करना, यहाँ तो इसका एक मतलब जनरोसिटी का काम, एक खैरात बांटने का काम, एक जानवरों को कुछ रोटियां खिलाने का काम है, तो ये ले लिया अब उसने। वहाँ तो गांव में ये कुत्तों को खिलाया करती थी, यहाँ किनको खिला रही है, स्पैरोज को, फीडिंग स्पैरोज, स्पैरोज को यानी कि चिड़ियों को खिलाती थी अब ये, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे सिटी हाउस के कोर्ट यार्ड में, हमारे शहर के घर के आंगन में, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन, तो उसमें अब हम ये मतलब इसने शी टुक टू दिस वर्क, यानी इस काम के लिए उसने अपने आप को वक्फ कर दिया कि अब ये ऐसे करूँगी मैं यहाँ पर, वहाँ वो दूसरे तरीके से करती थी, यहाँ इस अंदाज में। तो नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे।